हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप लोग ना बहुत बार कमेंट भी करते हो कि गर्मियों में सेल होने वाला सामान बताइए करके। तो आज की जो शॉपिंग है उसमें मैं सब गर्मियों में सेल होने वाला सामान ला रही हूँ, तो आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ करके। तो बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को कम लाइक कर रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक बिना आप लोग का क्या ही जाता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो चलती हूँ फटाफट से सामान की अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ करके। सो गाइस, ये देखिए, ये है सामान का बैग और एक थैला ये है। तो अब सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं। और सामान की अनबॉक्सिंग के लिए यहाँ पर मेरा बेटू आ गया है ना। हेलो बोलो, चलो ऊपर को देखे बोलो ना। और मम्मी से मैं लाया। अच्छा, और मम्मी आपको हीरो बना के लाई है ना? हमको मम्मी हीरो बना के लाई है। अरे हीरो बना के लाई है लड़की? लड़की बना के। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप सामान की अनबॉक्सिंग करें? हाँ, चलो चलो स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पर अभिराज और अभिराज के पापा कर रहे हैं सामान की अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं करके। तो फटाफट काउंटर पर सामान लगाते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। चलो फटाफट हेल्प करो, ठीक है? सो गाइस, ये सामान, थोड़ा बहुत सामान लगा दिया है तो ये आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। और आज का जो पूरा सामान है ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में सेल होता है। तो आप लोग पूछते रहते हो ना कि गर्मियों में क्या क्या सामान सेल होता है, तो आज का लगभग जितना सामान है गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो वो आप लोग को एक एक करके दिखा लेती हूँ। ये ला रही हूँ मैं आईसी कूल वाला 10 रुपये सेल होने वाला पाउडर का जार, क्योंकि गर्मियों में अब ये ठंडा ठंडा कूल कूल वाले पाउडर ना बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और उसके बाद ये ला रही हूँ मैं अनियन शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल मामा अर्थ के। तो इनको ना कम कम क्वांटिटी में, क्योंकि कॉस्टली हैं तो कम कम क्वांटिटी में लाने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट जाना ही होता है तो एक के मतलब कम कम लाते हैं, एक के दो दो पीस सेल हो जाते हैं तो फिर ले आते हैं। उसके बाद ये लॉरियल के 2 ला रही हूँ शैम्पू ब्लैक वाला, और ये कंडीशनर है, और एक ला रही हूँ मैं शैम्पू हेयर फॉल वाला, और ये ला रही हूँ डोनट, ये देखो जूड़ा बनाने के काम आते हैं। और उसके बाद ये ला रही हूँ मैं निविया के 2 फेस वॉश अलग अलग, और उसके बाद ये ला रही हूँ मैं ये कुमकुम पाउडर, ये वाला सिंदूर ना डिब्बी वाला सिंदूर, बहुत बार लोग किट विट बनाते हैं तो उसमें भी रखते हैं और ये वाला मांगते हैं, तो ये मेरे पास था नहीं। आज ना मैं 2-2.5 साल की शॉप, मतलब 2-2.5 साल हो गए और पहली बार ये वाला सिंदूर ला रही हूँ। ये ला रखी हूँ स्ट्रिक्स का सीरम, और ये 3 पीस ला रखी हूँ बड़े वाले शीशे, 50 रुपये सेल होने वाले। और उसके बाद ये है रेजर, वीनस का रेजर लाती हूँ मैं, इस बार वो था नहीं तो ये वाला ला रखी हूँ। और ये ला रखी हूँ मैं लैक्मे की सनस्क्रीन, और SPF 30 ला रखी हूँ, क्योंकि और SPF मेरे पास था ही। तो आप लोग भी अगर अपनी शॉप पे रखो तो 30, 40 और 50 तीनों SPF रखना। और ये ना लोग गर्मियों में ज़्यादा यूज करते हैं, वैसे तो हमेशा ही सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, लोग को लगता है कि गर्मियों में ही करते हैं करके, इसलिए गर्मियों में ये ज़्यादा सेल होते हैं। और ये ला रखी हूँ गार्नियर की ब्राइट कम्प्लीट वाली विटामिन सी क्रीम, और उसके बाद ये ला रखी हूँ 5-6 पीस रोल ऑन के, ये निविया के हैं, इसमें पल वाला, वाइटनिंग वाला और ये फ्रेश नेचुरल वाला 3-4 हैं। और उसके बाद ये गार्नियर के ला रखी हूँ मैं कलर, और उसके बाद स्ट्रिक्स का कलर, ये गोदरेज का कलर, ये नेहा मेहंदी, और उसके बाद ये ला रखी हूँ मैं जॉय का सनस्क्रीन वाला लोशन, ये जॉय के सारे सनस्क्रीन, आस्तावेरी की सनस्क्रीन मैं आज पहली बार ला रखी हूँ। लोग ना कभी कभी सस्ता सस्ता कहते हैं तो, और तो ये लोटस लेक में सारे कॉस्टली हैं तो इसलिए ये ला रखी हूँ आस्तावेरी की। और ये है हिमालय का शैम्पू और जॉनसन के पाउडर, ये चीज़ें मतलब गर्मियों में तो भर भर के रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। और ये पॉन्स की जो पॉन्स का जो फेस वॉश है ना, इसकी पैकिंग फिर से चेंज कर दी है, देखो इसका MRP तो अभी 90-80 है लेकिन पैकिंग ऐसी कर दी है, देखो कलर चेंज हो गया इसका। और उसके बाद ये लारखियों में VLCC और नेचर्स की फेसियल किट हैं, और आस्तावेरी की भी 3-4 फेसियल किट ला रखी हूँ, वाइन वाली, पपाया वाली, वाइटनिंग वाली, और क्योंकि ये ना कम रेंज की हैं, 1 टाइम यूज वाली 125 रुपये की छोटी छोटी किट है, तो लोग घर में यूज मतलब घर में खुद ही कर फेसियल करने के लिए ले लेते हैं। और उसके बाद ये ला रखी हूँ मैं बड़ा वाला क्लेचर, ये देखो, तो ये बड़े वाले क्लेजर भी ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मेरे पे ब्लैक कलर था नहीं इसलिए एक पैकेट इसका ला रखी हूँ। और ये ला रखी हूँ छोटी छोटी वाली झुमकी, है देखो कितनी क्यूट सी झुमकी है। तो
और उसके बाद ये ला रखी हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन, ये भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म थे तो 5-6 पीस ला रखी हूँ इसके। और गाइज़ ये देखिए ये ला रखी हूँ मैं रिया के परफ्यूम, और इनकी फ्रेगरेंस ना काफ़ी अच्छी है और इसका MRP भी कम है, 60 रुपये है, तो लोग ले ही लेते हैं इसको, तो ये भी बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। तो आप लोग भी ये परफ्यूम वगैरह पाउडर और जो जो चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये गर्मियों में भर भर के रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये सामान अब हटाती हूँ, उसके बाद आगे का सामान आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या लाएँ करके। और इस बार ना इसमें सबसे अच्छा तो ये आया है कि इसमें मतलब एक ही में इन लोगों ने 3-3 अलग अलग टाइप के परफ्यूम मतलब एक ही में लगा दिए हैं, तो इसलिए ना जिसको जो पसंद आता है वो ले लेते हैं। सो गाइस ये देख लीजिए आगे का सामान, ये ला रही हूँ मैं एक पैकेट ये शॉर्ट वाले सॉक्स का जो गर्मियों में चलते हैं, और उसके बाद ये कुछ ईयरिंग है इनको तो आराम से फिर दिखाती हूँ, और ये है मार्से की नेल पेंट, और वहाँ ना नेल पेंट बिल्कुल ख़त्म हो रही थी इसलिए इतने कम ला रही हूँ मैं, और जैसे ही नया स्टॉक आएगा तो फिर लाऊँगी दोबारा। और उसके बाद ये ला रही हूँ मैं पैम्पर और ये सोफ़ी वगैरह सैनिटरी पैड वगैरह, तो ये सारा सामान ये है, तो इसको पहले मैं रख लेती हूँ और उसके बाद ये छोटा छोटा सामान ला रही हूँ बहुत सारा, ये आप लोग को दिखा देती हूँ कौन कौन से डिज़ाइन लाई हूँ। सो गाइज ये है लास्ट सामान, ये देखो ये ला रखी हूँ मैं AD में लॉन्ग वाले मंगलसूत्र, ये देखो डबल चेन में काफ़ी सुंदर से मंगलसूत्र हैं, और अभी ना एक आप लोग को मैं खोल के दिखाऊँगी किस टाइप के हैं करके। और उसके बाद ये ला रखी हूँ ये देखो बालियों के डिज़ाइन, 10-10 रुपये सेल होते हैं ये। और उसके बाद ये ला रही हूँ कुछ सुई धागे के डिज़ाइन, ये देखो ये झुमका है राउंड में, और ये कुछ ईयरिंग हैं ये देख सकते हो आप लोग किस टाइप से, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और ये हैं ये देखो सिल्वर और गोल्डन में छोटी छोटी सी बालियाँ हैं, देखो इन्हें लड़कियाँ पहनती हैं या लेडीज़ ना ऊपर वाले कान में पहनती हैं, तो यही सारे कुछ डिज़ाइन हैं। और ये हैं सारे छल्ले, ये देखो लड़के पहनते हैं, लड़के लड़कियाँ सभी पहनते हैं वैसे, तो ये भी ला रही हूँ देखो इस टाइप से हैं, तो ये सारे छल्ले हैं। और ये हैं रिंग, और उसके बाद ये हैं AD वाले ईयर रिंग, कुछ 3 ही पीस ला रखी हूँ इनके, ज़्यादा नहीं ला रखी हूँ। और ये हैं झुमके, देखो इस टाइप के डिज़ाइन है प्यारे से सुंदर से, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, तो ये डिज़ाइन ला रखी हूँ गोल्डन ईयर रिंग के। और ये ला रखी हूँ मार्स की लिपस्टिक, इसके हैं 20 पीस, 4 पीस इसमें, और काफ़ी सुंदर लिपस्टिक, और मेरे यहाँ ना काफ़ी सेल हो रही है ये, और अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, जिसका MRP अब 299 रुपये हो गया है। तो यही सारा कुछ सामान है आप लोग देख सकते हो, तो ये सारा सामान आप रखती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। ब्लॉग बनाते बनाते ना यहाँ पर चीनी आ गई है, हेलो चीनी, और आज चीनी ना काफ़ी दिन के बाद दिखाई दे रही है ना, चल ले मंगलसूत्र का डिजाइन दिखा, ये देखो चीनी क्यूट गर्ल, ये देखो कितना प्यारा सा चेन वाला डिजाइन है ये, सुंदर सुंदर सा। तो अगर आप लोग भी इस टाइप का सामान लाना चाहते हो तो सहारनपुर ट्रेडर्स वालों के यहाँ से ला सकते हो, ये सारा सामान मैं वहाँ से ला रही हूँ। और चीनी स्कूल से आ गई? आज हमारा कंपटीशन था। अच्छा सही है सही है। और गाइस चीनी आ रखी है मदर्स डे के लिए सामान लेने हैं, तो इसको ना ये दो ईयरिंग पसंद आ रही है कि बटरफ्लाई वाले और एक ये वाले, तो आप लोग कमेंट करके बताने कौन सी ईयरिंग सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है ना। तो आप आंटी के और कॉस्मेटिक का सामान, और चीनी सबसे ज्यादा बार्गेनिंग करती है और कह रही कि इनको कितने के लगा दो, 30 रुपए के, 50 के। अच्छा स्मार्ट, तो देखते हैं चीनी को कौन से वाले पसंद आते हैं ना। अभी मैं और मांग रही हूं उनसे, चलो दिखो मुझे, पर हम जा रहे घर को अब। सो गाइस जो जो सामान लाई थी वो सारा कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया है, आप लोग को मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का लगभग जो सामान है ना ये गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है, तो इसी टाइप से आप लोग भी अपनी शॉप में सामान रख सकते हो। और आप लोग को एक बात और बता दूँ मैं, जब भी आप कुछ सामान लाओ तो भर भर के सामान कभी भी मत लाना, क्योंकि और ख़ास तौर पर जो फैशन वाली चीज़ें होती हैं, क्या होता है ना कि फैशन चेंज होते रहता है, अगर एक ही चीज़ हमने भर भर के रख ली तो काफ़ी टाइम तक ना जैसे कस्टमर आते हैं तो बार बार वही चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, इसलिए आप लोग भी ना कम लाया करो, जिससे क्या होता है फटाफट से सेल होता है, तो आगे नया नया सामान भरने के लिए अच्छा रहता है। तो आप लोग को मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, तो सारा सामान तो मैंने सेट वगैरह भी कर दिया है। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।